गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज का क्लास। आज मैं आप लोगों को जीके पढ़ाने जा रहा हूँ। जीके का फुल फॉर्म होता है जनरल नॉलेज। जीके का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरल नॉलेज। जी ई एन ई आर ए एच जनरल, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में होता है सामान्य ज्ञान। जनरल नॉलेज में क्या होता है? सामान्य ज्ञान। जी ई एन ई आर ए एच जनरल, जनरल में सामान्य। के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई नॉलेज, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले आज हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट इज योर नेम। पहला है डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट इज वाई ओ यू आर योर नेम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। इसका आंसर होगा माय नेम इज, माय नेम इज, जो नाम है वो नाम लिखना है, राम मोहन श्याम इत्यादि। तो जो नाम है वह नाम लिखना है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तो यहाँ पर लिखना है माय नेम इज, मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, या जो नाम है वह नाम यहाँ पर लिखना है। समझ गए? डब्ल्यू एच ए टी व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स आई एस, इज मीन्स है, वाई ओ यू आर योर, योर मीन्स तुम्हारा, एन ए एम ई नेम, नेम मीन्स नाम। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा क्या नाम है, तो क्या लिखेंगे, माय नेम इज, मेरा नाम है। जो नाम है वही नाम लिखना है। जैसे राम नाम है, श्याम नाम है, तो यहाँ पर लिखेंगे माय नेम इज राम, माय नेम इज राम। या लड़की का जो नाम होगा तो लिखेंगे, लड़का हो या लड़की, जो होगा वही नाम लिखना है। जैसे राम या रीता, सीता, गीता, जो भी नाम आएगा, जो भी नाम है वही नाम लिखना है। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर दो देखते हैं। व्हाट इज योर फादर्स नेम, डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट इज योर फादर्स, एफ ए टी एच ई आर फादर्स नेम। व्हाट इज योर फादर्स नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। डब्ल्यू एच ए टी व्हाट आई एस इज वाई ओ यू आर योर, एफ ए टी एस ई आर एस फादर्स, एन ए एम ई नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो क्या लिखेंगे आंसर में, माय, देखिए
एम वाई माई फादर्स ए ए टी एच ई आर एस फादर्स नेम फादर्स एन ए एम ई नेम इज माई फादर्स नेम इज My father's name is मेरे पिताजी का नाम क्या है? तो मेरे पिताजी का क्या नाम है? अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखना है। अपने पिताजी का नाम यहाँ लिखना है। जो आपके पिताजी का नाम है वही लिखना है। अपने पिताजी का नाम लिखना है। जैसे जो भी नाम हो, मोहन, सोहन इत्यादि, जैसे लिखना है माई फादर्स नेम इज मोहन एम ओ एच एन। या पहले टाइटल लगता था, अब टाइटल नहीं लगता है। जो पिताजी का नाम होगा वह लिख देना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज योर मदर्स नेम? डब्ल्यू एच ए टी व्हाट इज वाई ओ यू आर योर यू व्हाट इज योर मदर्स एम ओ पी एच ई आर एस मदर्स व्हाट इज योर मदर्स नेम? What is your mother's name? तुम्हारे माता जी का क्या नाम है? तुम्हारे माता जी का क्या नाम है? W H A T Y S is Y O U R your M O T H E R S mother's N A A M What is your mother's name? तुम्हारे माता जी का क्या नाम है? तुम्हारे माता जी का क्या नाम है? तो अब लिखेंगे माई मदर्स 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 नेम इज माई मदर्स नेम इज मेरे माता जी का नाम। जो तुम्हारे माता जी का नाम है वह लिखना है। जो तुम्हारे माता जी का नाम है वह लिखना है। माई मदर्स नेम इज, तो अपने यहाँ माता जी का नाम लिख देना है। जो नाम है वह नाम लिख देना है। ठीक है, समझ गया? जैसे रीता नाम है तो रीता लिखेंगे आर आई टी। ठीक है, समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर चार मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर चार, इन विच क्लास डू यू रीड? इन विच क्लास डू यू रीड? तुम किस क्लास में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड? तुम किस क्लास में पढ़ते हो? इन विच क्लास डू यू रीड? तुम किस क्लास में पढ़ते हो? रीड माने क्या होता है? पढ़ना। विच माने होता है किस? विच माने किस? इन मीन्स में।
तुम किस क्लास में पढ़ते हो? आंसर यहां लिखेंगे, आई रीड इन, आई रीड इन क्लास, आई रीड इन क्लास टू, जो जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास में अपना लिखेंगे, किस क्लास में पढ़ते हैं उसको, तो आई रीड इन क्लास हम लिखते हैं यहां टू, आई रीड इन क्लास टू, ठीक है, आई रीड इन क्लास टू। मैं किस क्लास से पढ़ता हूँ? टू क्लास में। जो टू क्लास से पढ़ते हैं सिर्फ टू क्लास में लिखेंगे, थ्री क्लास से पढ़ते हैं सिर्फ थ्री क्लास में लिखेंगे, समझ गए? फिर एक बात देख लीजिए, इन विच क्लास डू यू रीड, तुम किस क्लास में पढ़ते हो? आई रीड इन क्लास टू, आई रीड इन क्लास टू, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चार, अब क्वेश्चन नंबर चार हो गया, अब क्वेश्चन नंबर पांच, पांचवा क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड, हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने वर्ष के हो? हाउ मीन्स क्या होता है, कितने, ओल्ड मीन्स उम्र होता है, आर यू तुम कितने साल का हो, हाउ ओल्ड आर यू तुम कितने साल का हो, तुम कितने साल का हो, तो इसका आंसर क्या होगा, आई एम लिखना है पहले, आई एम कितने साल के हो, जितना साल का होता है उतना साल का यहाँ लिखना है, और यहाँ लिखना है ईयर्स, YEYEARS ईयर्स, 10 साल के हो, 5 साल के हो, 6 साल के हो, जितना साल के रहता है उतना लिखना है, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड यहाँ लिखना है, OLD, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड या 11 ईयर्स ओल्ड, 12 ईयर्स ओल्ड, जितना साल के हैं उतना साल लिखना है, यहाँ भर देना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 10 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर लिख देते हैं हम 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल का हो, तो यहाँ पर होगा आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, मैं 10 साल का हूँ, ठीक है, समझ गए। आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मिटा दें आप इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, वेयर डू यू लिव, WHERE, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ, वेयर मीन्स कहाँ, यू मीन्स तुम, लिव मीन्स रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो इसका आंसर हो जाएगा आई लिव एट, क्या पढ़ना है, आई आई
लिव एट, जहां रहते हैं उस गांव का नाम लिखना है। जैसे आप पालीगंज रहते हैं तो पालीगंज के लिखिएगा, आप किसी गांव में रहते हैं धरारा रहते हैं तो धरारा के लिखिएगा, जहां रहते हैं वहां का नाम लिखना है। तो आई लिव एट, अपने गांव का यहां पर नाम लिखना है, ठीक है, अपने गांव का नाम लिखना है। तो आई लिव है, हम पालीगंज का लिख देते हैं, आप अपने गांव का नाम लिखेंगे। पी एल आई जी एन जे, आई लिव एट पालीगंज, आई लिव एट पालीगंज, मैं पालीगंज में रहता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द डब्ल्यू एच ए टी, व्हाट इज द टी ए सी द नेम नेम ऑफ योर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, एस सी एच डबल ओ एन, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे What is the name of your school? तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? What is the name of your school? तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? What is the name of your school? तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ, आंसर में लिखेंगे द एन ए एम नेम, द नेम ऑफ माई, द नेम ऑफ माई स्कूल, स्कूल एज बिहार, बिहार पब्लिक, बिहार पी यू बी, बिहार पब्लिक स्कूल पालीगंज, द नेम ऑफ माई स्कूल इज बिहार पब्लिक स्कूल पालीगंज, यानी मैं बिहार पब्लिक स्कूल में, मेरा स्कूल का नाम बिहार पब्लिक स्कूल पालीगंज है। मेरा स्कूल का नाम क्या है? बिहार पब्लिक स्कूल पालीगंज, द नेम ऑफ माई स्कूल इज बिहार पब्लिक स्कूल पालीगंज, समझ गए? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, व्हाट इज द, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल का क्या नाम है? तब क्या बोलेंगे? द नेम ऑफ माई स्कूल इज बिहार पब्लिक स्कूल पालीगंज, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आठ,
मिटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर एट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल? डब्ल्यू एच ए पी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल? पी आर आई एन सी आई पी एल, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल? तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है? ठीक है, तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है? समझ गए? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल? ठीक है, ऐसे आंसर लिखते हैं। My school my school principal name is SMK Reena Sinha, S-I-N-G, S-I-N-H-A. My school principal name is SMK Reena सिन्हा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल? व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल? तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल का क्या नाम है? तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? My school principal name is SMK Reena Sinha। ठीक है, My school principal name is SMK Reena Sinha। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द नेम ऑफ डब्ल्यू एच ए पी, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल डायरेक्टर? जी आई आर ए सी टी ओ आर, डी आर आई डी आर डी आई आर ए सी टी ओ डायरेक्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल डायरेक्टर?
व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल डायरेक्टर, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल डायरेक्टर, डब्ल्यू एच ए पी व्हाट आई एस एच टी ए सी द एन ए ए वी नेम ओ एफ ऑफ वाई ओ यू आर योर एस सी एच डबल ओ एल स्कूल डायरेक्टर डी आई आर ई सी टी ओ आर डायरेक्टर। डायरेक्टर मीन्स होता है निर्देशक, क्या होता है निर्देशक, डायरेक्टर मीन्स होता है निर्देशक, समझ गए, डायरेक्टर मीन्स निर्देशक। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल प्रिंसिपल, तुम्हारे स्कूल के निदेशक कौन है, तो अपने डायरेक्टर साहब का नाम बता देना है, तो इसका आंसर लिखिए, देखिए द नेम ऑफ टी ए सी द नेम ऑफ माय स्कूल, द नेम ऑफ माय स्कूल डी आई आर ई सी टी योर डायरेक्टर, द नेम ऑफ माय स्कूल डायरेक्टर इज, क्या लिखेंगे, इज ब्रजेंद्र कुमार बी आर ए जे ई एन डी आर ए ब्रजेंद्र कुमार के यू एम ए आर, ठीक है, हमारे मेरे स्कूल का क्या नाम है, द नेम ऑफ माय स्कूल डायरेक्टर एक बिहार ब्रजेंद्र कुमार, द नेम ऑफ माय स्कूल डायरेक्टर इज ब्रजेंद्र कुमार, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल डायरेक्टर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल डायरेक्टर, द नेम ऑफ माय स्कूल डायरेक्टर इज ब्रजेंद्र कुमार, समझ गए, द नेम ऑफ माय स्कूल डायरेक्टर इज ब्रजेंद्र कुमार, ठीक है, समझ गए, इसको आप लोग फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आज इतना है, थैंक्स।